अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, आज मैं आपके लिए केप वाली डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ शर्ट की। इसकी जो लेंथ है वो मैंने 40 इंचेस रखी है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। ये जो पहली केप है इसकी लेंथ 16 इंचेस है। ये जो डिज़ाइनिंग है, इस तरह की डिज़ाइनिंग मैंने पहले यूट्यूब पे नहीं देखी। ये 12 इंचेस दूसरी रख ली और फिर 10 रख ली। आप अपने हिसाब से जितनी भी आपको फ्रिल की लेंथ छोटी या बड़ी अच्छी लगती है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर आपने एक साइड पे छोटी रखनी है तो दूसरी साइड पे आपने ज़रा लेंथ बड़ी कर देनी है। उम्मीद है आपको ये स्टाइल अच्छा लगेगा। ये सिर्फ एक डिज़ाइनिंग आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। इसकी जो स्टिचिंग इसका पार्ट है वो मैं जल्द लेके आऊँगी। इसकी जो विथ है वो 28 इंचेस है। आज मैं आपको पेपर पे समझाऊंगी। 10 इंचेस मैंने इसकी लेंथ ले ली पेपर पे। देखें इसकी विथ, जिस चीज़ की भी आपको समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहले मैंने स्टिचिंग ही ट्यूटोरियल लेके आना था, फिर मुझे ऐसे लगा कि शायद आपको उधर सही से समझ नहीं आएगी तो मुझे पहले इस तरह वीडियो बनानी चाहिए। ये ज़रा मैं फिटिंग की कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। कंधे की कटाई, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो केप होगी वो आपने एक अलग-अलग कपड़े पे पहले लगानी है। केप बोल लें बेशक फ्रिल बोल लें, जितनी इसकी विथ है डबल करके इतनी जो नेक्स्ट पेज पे ये जो मैं केप काटूंगी इससे 1 इंच ज़रा लंबी काटूंगी। ये देखें ये 3 है और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 4 होनी चाहिए। ये 4 हो जाए, अब होने 4। उम्मीद है आप ये डिज़ाइन अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको पसंद भी आएगा। अगर आपको पसंद आता है ये डिज़ाइन तो लाइक माय पेज एंड सब्सक्राइब एज वेल। ये मैं गले की कटाई कर रही हूँ। अब सेंटर से भी इसकी कटिंग कर देनी है।
ये देखें, ये वाइट पेज है तो आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं मार्कर से मैंने ट्रेस लिया इसको। अब मैं मज़ीद उसी लेंथ के हिसाब से दोबारा से कटिंग कर रही हूँ। इसकी भी 3 है तो अगले वाले की भी 3 रखूँगी। आप चाहें तो 3.5 कर लें, 4 कर लें। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा। इसी तरह मैंने कटिंग कर ली इसकी। ये जो नोक है ये आपने ऊपर लेकर आनी है। मैं गम से जोड़ लेती हूँ ताकि सही से आइडिया हो जाए। मैं आपके लिए नए से नए डिज़ाइन्स लेकर आऊँगी इंशाल्लाह जल्दी। या फिर मैंने उसी हिसाब से कटिंग कर लेनी है। अब मैं ऐसी कैप काट रही हूँ जो एक साइड से चौड़ी होगी और दूसरी साइड से कम चौड़ी होगी। ये देखें, मैंने इस तरह फिर इसके साथ अटैच कर दिया इसको और गम लगा दी। अब जो पहले केयर थी जिस साइड पे उसकी विड्थ ज़्यादा थी तो उस साइड पे मैं नेक्स्ट वाली को कम करूँगी। ये देखें, और लास्ट वाला है वो बिल्कुल मैं स्ट्रेट काट दूंगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो नीचे है दामन वो बिल्कुल स्ट्रेट आए।
इसी तरह मैंने साथ अटैच कर देना है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।